हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल अनसरकारी एंड आई एम योर फ्रेंड विकास भारद्वाज। टुडे वी आर टेकिंग अप अ वेरी इंपॉर्टेंट बट लेसन ऑन टॉपिक दैट इज नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। दिस इज रिलेटेड विद नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत दैट इज इन न्यूज दीज डेज। अपार्ट फ्रॉम इट, इट इज कोर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट इज इम्पॉर्टेंट factor in providing livelihood especially to the landless plus tribals, and most importantly it is also making a wave as a part of doubling of farmer income, and definitely it is also part of urban beekeeping culture. Bhaiya paisa hai, maal hai, aur nature ke liye agar aapke andar kuch enthusiasm hai to kyun na madhumakhi paali jaye, क्योंकि मधुमक्खी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ऑब्वियसली बॉलीवुड कल्चर में सदियों से हनी, मधुमक्खी, भौरा, फूल सबकी बातें रही हैं, बट हेयर मोर कॉन्टेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड। सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन May 20 एवरी ईयर, वर्ल्ड बी डे, एंड इट इज named after Anton Chancer, the pioneer of beekeeping, who was born in 1734. So what is the purpose of this? We are showing through a representational picture. The purpose of International Day of Beekeeping is to acknowledge role of bees in ecosystem as a pollinator. जब तक पराग कण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे, बहुत मुश्किल है हम नेचर, इकोसिस्टम और कल्चर की सही गरिमा और वैल्यू को पहचान पाएंगे। सो बी कीपिंग इज अ वेरी वेरी एंशियंट आर्ट प्लस ट्रेडिशन इन इंडिया। भारत की यदि बात करें, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, जिसके पास इतने इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं, तो बी कीपिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करना बनता है। बट द गोल इज इन द लास्ट 70 ईयर्स और मोर देन दैट, आर वी एबल टू एक्सट्रैक्ट द की आउट ऑफ इट? क्या हम वो शहद निकाल पाए स्पेशली किसानों के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं? दैट इज व्हाई कम्स इनटू पिक्चर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग बी कीपिंग एज अ पार्ट ऑफ एम टू डबल फार्मर इनकम। इसके लिए 500 करोड़ ऑलरेडी अलोकेट कर दिए गए हैं, दैट इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, यू मस्ट नो दैट इंडिया इज द टॉप 5 बी, यू कैन से हनी प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। ऑब्वियसली हनी इज अ बाई प्रोडक्ट, लेकिन उसमें भी कई प्रकार की टेक्निकल और इंपॉर्टेंट जानकारी आ जाती है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली दैट इन लास्ट 15 ईयर्स honey production have risen by 242% and exports have also shot by 265%, even in times of lockdown. And when we talk about organic foods, especially for states like Sikkim, honey plays very very important role. So hum keh sakte hain honey ka horticulture se direct lena dena hai, kintu usko ek tarike se promotion karna bahut zaruri hai. That is how by 2024 we will be able to have doubling of farmers' income. इसीलिए National Bee Board, it has created different modules for imparting training as a part of National Beekeeping and Honey Mission. So training is not for the hunting tribes or those tribes which you can call them honey tribes, but for promoting it to other farmers, other communities, so that it can be promoted. For example, more than 30 lakh farmers have been trained in beekeeping, and you can say it is a very important part of animal husbandry and agro forestry. Government is also financially supporting them, and there is a committee set up under the Economic Advisory Council to the Prime Minister, that is Beekeeping Development Committee BDC, under the chairmanship of Professor Bibek Devroy. Aur is committee ne kai important recommendations bhi diye hain. For example, हनीबी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनपुट्स टू एग्रीकल्चर, और जो लैंडलेस बी कीपर्स है उन्हें फार्मर का दर्जा दिया जाए, जो कि अब तक नहीं दिया गया है। दैट मीन्स इंक्लूजन एंड मेनस्ट्रीमिंग।
सेकेंडली नेशनल बी बोर्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए एंड देयर मस्ट बी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न आइडियाज कमिंग इन टू इट. दैट इज वाई इसको हनी एंड पॉलिनेटर बोर्ड कहा जाए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. एक इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए जिससे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स मस्ट बी सेटअप इन इंडिया. देखो देर आर सो मेनी सेंटर्स इन इंडिया विच आर नोन फॉर बी कीपिंग एंड बी डेवलपमेंट एंड बिकॉज लैंडलेस फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स इंक्लूडिंग ट्राइबल्स आर रिलेटेड विद दैट इज वाई देयर मस्ट बी हनी प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड. मोनोपोली बिग बिग कंपनीज की नहीं होनी चाहिए. हनी डाबर का नहीं है, हनी हमारे फॉरेस्ट का है. बट डाबर और फॉर दैट मैटर पतंजलि देयर आर अदर बिग नेम्स ऑल्सो विच हैव बीन डूइंग बिजनेस ऑफ हनी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स. वी आर नॉट निगेटिंग द फैक्ट. सो कलेक्शन ऑफ डेटा and then recognizing honey as an apiculture. I should say the study of honey is called rearing of honey is called apiculture. So apiculture must be recognized as a subject by ICAR, that is Indian Council for Agriculture Research, and there must be work for storage and you know processing, marketing of honey and the other products. That is how the role of MSMEs come into picture and cottage industry also. That is why this is a very important issue, especially in the times of COVID-19, because pollinators are declining worldwide. There are different factors. Aap pesticide ka use karenge, deforestation hoga, commercial agriculture, unsustainable practices like honey hunting. So honey hunting is that going to the core and doing it in an unsustainable way. Har hal mein aapko madhumakhi ka chhatta todna hi hai, and it will not be able to regenerate and do it again. That is why pollination services is very important, because they are key part of our ecosystem. Pollination is key to diversity and sustaining of multiple species. Sari species khatam ho jayegi, yani ek jo hum baat karte hain vibhinnata, wo sab khatam ho jayegi. But when we talk about India, that what kind of bee culture we must promote, so there comes two main concepts here. One is the concept of hybrid bee, which is Apis mellifera. Italian roots are there, and it is actually a bit expensive, and it is also monofloral or monoculture. You know, it works on single floral or single flowers. Whereas indigenously we can say there is Apis cerana indica or Apis cerana indica. It is a multifloral bee culture. कहीं पर भी जाएगा, डीप में जाएगा, जिसको हम कहते हैं जंगली शहद, डीप जंगल का शहद, असली शहद. सो द कॉन्सेप्ट विच मस्ट बी प्रमोटेड एंड लेस एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो इजी टू टैकल इज एपिस किराना इंडिका. बट देन एपिस मेलिफेरा इज ऑल्सो बींग प्रमोटेड स्पेशली इन अर्बन एरियाज. देर आर एंथुजियास, देर आर अर्बन बी प्रमोटर्स एंड कल्चरिस्ट जो कि ऑर्गेनिक फूड को बहुत तेजी से प्रमोट करते हैं. टन्स एंड टन्स ऑफ हनी इज बींग प्रोड्यूस एंड दे आर नॉट ओनली डूइंग दैट, दे आर ऑल्सो गिविंग ट्रेनिंग टू फार्मर्स. लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फॉर एग्जाम्पल इज वन एग्जाम्पल. वहाँ पर कट्टूनायकन्स हैं, कुरुम्बाज है, एंड यू हैव शोलिगाज एंड इरुलाज. दे आर ऑल हनी हंटिंग ट्राइब्स. सदियों से वो जो है हनी हंटिंग में लिप्त हैं, और यानी कि उसको प्रमोट कर रहे हैं, यानी उनके सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का पार्ट हुई है. दे आर लेस लिटरेट, दे हैव द एबिलिटी टू क्लाइम टॉल ट्रीज, एंड दैट्स हाउ दे डू इट. इवन इन टाइम्स ऑफ COVID-19 टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनसोल्ड हनी, बिकॉज दे हैव द ओनली हनी विद देम. अगर हनी नहीं बिकेगा तो दे विल बी स्टार्विंग. सो देर हैव बीन स्टार्टअप्स, देर हैव बीन ऑर्गेनिक बॉडीज हु हैव कॉन्टेक्टेड देम, एंड दैट्स हाउ दे हैव बीन एबल टू सर्वाइव एंड सस्टेन. सो हाउ मच इंपॉर्टेंट रोल इट इज प्लेइंग, यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन. बट जब हम बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ इंडिया, यू हैव सेंटर्स इन साउथ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल आदिलाबाद, यू हैव चिकमगलूर, यू हैव centers in Karnataka. There are different centers in Karnataka. Then even when we come to north, you have in Kumaon, and then in Himachal you have in Chambal region. Then you have centers in northeast also. For example, you have centers like Rangjuli, and also you have centers like in Andhra and nearby region like Medak. Rangia in northeast is another center. So these different centers, they showcases the ability of honey as a very very potent and empowering source. Because hum baat karte hain monofloral culture ki, wo bhi India mein hai, ek hi phool se shahad lene banane wali madhumakhi. Bifloral culture and multifloral culture, there are different kind of
कल्चर जो कि सभी तरह का हिंदुस्तान में पाया जाता है. एज आई सेड, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट यू कैन से प्रोड्यूसर. आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हरदा है, देन अगर आप यूपी की बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर है, बहराइच है, देर आर डिफरेंट सेंटर्स एंड जोन इंक्लूडिंग मेरठ है. असम की बात करेंगे तो जैसे रंगिया के अलावा ग्वालपारा है. सो दीज ऑल सेंटर्स एंड सेक्टर दे आर द की पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ हनी. सो आज हमने बात की शहद मधुमक्खी की, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू टेक इट अप एज अ स्पेसिफिक स्टडी एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इवन टू अदर प्रोडक्ट्स विच आर वेरी मच क्रूशियल टू आवर डेली लाइफ, वेदर इट इज टर्मरिक और वेदर दे आर स्पाइसेस विच कैन मेक श्योर दैट फार्मर सर्वाइव इन अ कंट्री विच बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जय जवान जय किसान. Thank you very much for giving me your precious time and sharing ideas. Please do like and share our channel and do comment on key areas and your all questions are welcome. Do subscribe our channel Ansarkari because there is no shortcut. Like the way honey is collected by honeybees in a bit by bit manner, in a sustainable manner, similarly is the way to success in studies also. Thank you very much. Wishing you all the best in your studies.